अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ, लेकिन आज मैं कोई होम रेमेडी नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं एक मॉइस्चराइज़र का रिव्यू लेके आई हूँ। जैसे कि हम ऑयली स्किन वाले, मेरी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिगार्डिंग मॉइस्चराइज़र। पहले मैं सोचती थी कि मॉइस्चराइज़र लगाने की क्या ज़रूरत है, और मेरी ऑयली स्किन है तो उसमें और ऑयल प्रोड्यूस होगा, बट नहीं, यहाँ पर हम लोग गलत होते हैं। जो ऑयल बेस्ड होते हैं वो मत आप यूज़ करो, बट जो ऑयली स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइज़र होते हैं प्लीज़ यूज़ दैट, क्योंकि आपके स्किन के पीएच को मेंटेन करना है। अगर आपको अपनी स्किन हाइड्रेटेड रखना है तो आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ेगा जो आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि हमारे स्किन में जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में ऑयल बोला जाता है। ठीक है, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उससे हमारा ऑयल निकलता है। सपोज़ हमने फेस वॉश किया और एक घंटे के अंदर हमारा फेस ऑयली ऑयली हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो हमारे ब्रेन को एक मैसेज पहुंचाते हैं कि ऑयल सिक्रेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि ऑयल नहीं है। अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, जो आपने मॉइस्चराइज़र लगाया है, तो वो इन्फॉर्म नहीं कर पाएगा कि आपको, मतलब आपके स्किन को ऑयल बनाना है, जो आपके ग्लैंड्स हैं उसको सीबम प्रोड्यूस करना है। इसलिए दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आप ऑयली स्किन वाले हो या आप ड्राई स्किन वाले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्राई स्किन वालों को तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसी को मैं आज बताने जा रही हूँ। मुझे एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र मिला है, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी लैक्टोकैलामाइन का। ये ऑयल बैलेंस करता है, स्पेशली ये ऑयली स्किन वालों के लिए। मैं इसको लगाती हूँ डेली, जब जब मैं फेस वॉश करती हूँ। और इसका प्राइस है 99 रुपीज़, यू कैन सी। इसे छोटी बॉटल भी आती है, वो भी मैंने यूज़ की हुई है। पहले मैंने छोटा वाला ही लिया था कि मुझे सूट करता है या नहीं, बट मुझे ये सूट किया, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, बट इसने फिर भी मुझे सूट किया। ये 99 का है, देख लो आप। इसको सिर्फ आपको एक ड्रॉप लेना होता है, लेट मी शो यू। बहुत आ गया ये तो, ये देखो एक ड्रॉप है। अपने फेस पे यूं 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 लगाओ और इसको मसाज करो। 10 सेकेंड तक आप मसाज करोगे ना और गायब, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ इसमें लगाया भी है। ये बिल्कुल कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में 10 सेकेंड के अंदर ही, और कम से कम 3 से 4 घंटा ये आपके स्किन में ऑयल को नहीं आने देती, एक्सेप्ट आप धूप या कड़कती धूप में, मतलब सनलाइट में जा रहे हो तो आप स्वेटिंग होगी, तो जाहिर सी बात है पसीना तो आएगा। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में हो तो आपको स्वेटिंग नहीं हो सकती। तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको लेकर। सो आई विल रिकमेंड दिस कि आप इसको यूज़ करो अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।